अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब। सर ये बताइएगा कि पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के बगैर ये असम्बली कैसी लग रही है? तहरीक इंसाफ के बगैर ये असम्बली जो है, तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी जो है यहाँ पे, वो इस बात की तायिद करती है कि ये जिस तरीके से अब 60% काबीना के अराकीन जमानत पर बाहर हैं, तो ये तो, और जो सुबह फर्द जुर्म आयद हो रहा है, शाम को हलफ ले रहे हैं, तो ये तो तौहीन से मुतरादिफ़ है ना। तो ये बिल्कुल एक जो एहतजाज, बल्कि इस्तीफ़ों का जो है ये एक एहतजाज ही का इजहार है। और ये कि अब सवाए एक फौरी इंतखाबात के और कोई हल मौजूद नहीं है हमारे पास, हमने मुल्क को एक सियासी बहरान के अंदर डाल दिया है और ये असेंबली अपना कोई काम नहीं कर पाएगी और ना ही ये हुकूमत अपना कोई काम कर पाएगी और ना इसके पास करने का कोई जवाब है। फौरी इंतखाबात ही वाहिद हल हैं और जिसको कामयाबी हासिल हो इलेक्शन में वो अगली हुकूमत करे और फिर वो असेंबली जो है वो ठीक लगेगी। कितना अर्सा चलती नज़र आ रही है ये अब? भाई मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि चंद हफ्तों की मेहमान। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है? अगस्त 2023। आपको याद होगा इमरान नियाज़ी साहब और उनके वज़ीरों से जब पूछते थे तो कहते इलेक्शन टाइम पे होगा और अगली बारी भी हमारी है, तो वो जान ले कि इलेक्शन टाइम पे होगा और अगली बारी भी पीपल्स पार्टी की है। सर पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली खेला है, तरीके तो इतमाद लाने में जरदारी साहब मास्टरमाइंड थे, लेकिन अब जो सामने नज़र आ रही है नून लीग है और तनकीद भी उसे बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए नून लीग के पास 84 सीटें, हमारे पास 56 है, तो इस वजह से कि अखलाकन जो ना उनका हक था, इसी वजह से बिलावल साहब ने ऑफ़र किए कि आप अपने पास रख ले प्राइम मिनिस्टरशिप। तो बाकी इंशाल्लाह हुकूमत में हम इस्तेदार है, बराबर के शरीक है और इनकी गमी खुशी में हम बराबर के शरीक है, और कहते हैं एक और एक 11 होता है, तो हम बेहतर तरीके से, हमारा भी तजर्बा है, नून लीग का भी तजर्बा है, तो बेहतर तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे और आवाम के लिए जो हमने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कामयाब हो गया, तो इंशाल्लाह आवाम की ये जो मसाइल है इसको भी कम करेंगे। सर जो अगले इलेक्शन है ये भी इसी तरह एक और एक 11 दोनों मिलकर लड़ेंगे? पॉसिबल भी है और नहीं भी है, डिपेंड करेंगे कि हम अभी जो ये जो टेनोर है जो रहता है उसमें हम किस तरह चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगला इलेक्शन भी हम मिलकर चलेंगे। सर जो DGISPR ने एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि अदारों को नाग सीटें, उसमें क्या सिर्फ इमरान खान साहब को कहा है या दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ एक सीटिंग? मेरे ख्याल में सबको कहा है और सबको एहतराम करने चाहिए है, और जब शेख रशीद बड़े फ़ख्र से कहता था कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और बड़े फ़ख्र से वो अपने आप को तर्जमान कहते थे, आज जब सी से हटा दिया है तो वो भोंकने लगा है, तो मैं समझ रहा हूँ इनका भोंकना भी बंद करना चाहिए और ये जो बाज़ लोग, जो लोफर लोग हैं, जो अदारों को और हमारे जजेस के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इनको लगाम देना चाहिए। ये जो वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटें, तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, मतलब कौन सा ऐसा दौर रहा है जिसमें फौज की मौलवियत आ रही है? तो मेरे ख्याल में वो अगर अपनी जो उनका डोमेन है उसी में रहें, और ये अभी जो जो कुछ भी हो रहा है ना, अपनी ही प्रोडक्शन उनको गले पड़ रही है, अपने ही लोग जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं वही उनको गले पड़ रहे हैं, और ये होता रहेगा, मज़ीद होता रहेगा। बेहतर ये होगा कि वो भी अपना जो उनका हल्फ है उसकी पासदारी करें, तो फिर लोग भी। उन्होंने अभी हालिया एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सुपर सलार को मीर जाफर से तशबीह दी है। इमरान खान तो अपनी बातों का जवाब खुद देगा और वो जिस तरीके से आया है वो भी सबको पता है कि किस तरीके से वो इम्पोज्ड एक प्राइम मिनिस्टर था और किस तरीके से वो इम्पोज किया गया इस मुल्क के ऊपर, और किसने दान लिखी, किसने टप्पे लगाए, वो भी इमरान को भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। बात फिर वहीं पर आकर रुकती है, ये जो कहा जा रहा है कि हमें ना घसीटा जाए, आप नहीं घुसेंगे तो कोई घसीटेगा नहीं।